नमस्कार एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द कैंपस एकेडमी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी जॉब वैकेंसीज चाहिए ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए जॉब वैकेंसीज ला सकूँ। अब जो आज की जॉब वैकेंसी है वो है बी एन मेलन के बारे में। बी एन मेलन एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसकी जॉब वैकेंसी फिलहाल इंडिया में निकली है। इसमें जो है पर्टिकुलरली किस लोकेशन पर निकली है वो नहीं बताया गया है, बट इसमें निकली है वैकेंसी। नाउ इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो देखिए, इसमें चाहिए इसको सुपरवाइजर जो कि डे टू डे स्मॉल और मीडियम साइज क्लाइंट को मैनेज करता है, अपनी टीम को सपोर्ट करता है, अपने टीम के लिए जो भी क्लाइंट के थ्रू जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उसको मैनेज करता है, उसको सॉल्व करता है, जो भी वर्क फ्लो है उसको प्रॉपरली टाइम में डिवाइड करता है, सारे टीम से काम करवाता है। एक टीम लीडर होना चाहिए जो अपनी टीम को समय समय पर मोटिवेट करे, उनसे काम करवाए और अपनी ड्यूटीज से पीछे ना हटे। देन इनको क्या चाहिए, इंश्योर सब आपका जो वर्क है वो मैक्सिमम होना चाहिए। आप मतलब इसमें आप अलाने नहीं कर सकते बिकॉज ये प्राइवेट जॉब है, तो इसमें आपका आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम देना है। और इसमें एक प्रोसेस और है, इसमें आपको टीम इनिशियल करना है। अगर आपकी टीम को कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप फर्स्ट वन होंगे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ना कि कोई और होगा। आपको तो कोशिश करना है कि जो प्रॉब्लम है वो आपके ही लेवल पे सॉल्व हो जाए, सीनियर्स तक ना जाए, क्योंकि अगर सीनियर्स तक जाएगी तो वो आपके लिए ही एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें इतना सब चाहिए तो इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड मोस्ट वेलकम पर्सन होंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में कंडक्ट कर रही है वो है पेरिशिंग इंडिया कम्बाइन। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने इंडिया में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। जैसे ही आप अप्लाई पे जाएंगे तो आपको ऐसा फॉर्म खुलेगा, इसमें सबसे पहले आपको रेज्यूमे अपलोड करना। आप रेज्यूमे चाहे तो ड्रॉप बॉक्स से अपलोड कर सकते हैं, ड्राइव से कर सकते हैं, ईमेल आईडी से कर सकते हैं या फिर टाइपिंग भी कर सकते हैं। कवर लेटर अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि ये ऑप्शनल है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया फॉर्म दिखेगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से सुना और सुना है तो उसका स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए। फिर यहाँ पे आपको आएगा बेसिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी। तो डेट ऑफ अवेलेबिलिटी करेगा कि आपका इंटरव्यू कब हुआ है, तो इसमें आप ऑप्शनल में ही रख देंगे। दूसरा है आपके पास मिनिमम एनुअल सैलरी। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ऐसी सैलरी सेलेक्ट कीजिए जो ना कि ज़्यादा हाई हो और ना कि बहुत ज़्यादा लो हो, मिनिमम 10 to 12 lakh पर एनम के बीच में जो सैलरी है वो फ्रेशर्स के लिए एक बहुत अच्छा अमाउंट है एंड वो मिडिल अमाउंट कंसिडर किया जाता है। इसमें आप अपने जो स्किल्स है उसको एकदम हाई भी नहीं लगाते हो बट एकदम लो भी नहीं करते हो, सो दिस इज द मतलब बहुत अच्छा अमाउंट है एक फ्रेशर के लिए सिलेक्ट करने के लिए। करेंसी ऑब्वियसली आप इंडियन रुपीज सिलेक्ट करोगे। जॉब टाइप आपको कौन सी जॉब चाहिए, इंटर्नशिप, कैंपस स्टूडेंट या फिर एक्सपीरियंस जॉब है आपके पास। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप वो पूरा डेटा फिल कीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एनी या फिर फ्रेशर लिख के उसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सिटी जो है वो मैंडेटरीली मेंशन करना है, सिटी ऑप्शन नहीं है। आप जिस भी रेसिडेंट सिटी में रहते हैं वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नाउ आता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन अगर आपने सपोज कोई मेंटेनेंस में किया है या फिर कोई आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपको सी, जावा या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज SQL, ML, AI कुछ भी आता है तो आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। नहीं किया है तो कोई बात नहीं क्योंकि ये ऑप्शनल है। नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चनरीज पूछी गई है, इसमें जो है आपको रेलेवेंट आंसर्स देना है क्योंकि आपकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। यहाँ पे वर्क एलिजिबिलिटी की कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं, उससे हमें पढ़ना है तो पढ़िए। अदरवाइज यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोई रिलेटिव
कोई भी दीदी जीजा जी या फिर आपके भाई भाभी मम्मी पापा कोई भी इन द सेंस कोई भी अगर आपका रिलेटिव बीएनवाई में काम करता है तो आपको यहाँ पर यस करना है अदरवाइज नो करना। रिलेटिव का नाम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है बट अगर काम करता है तो यस नहीं करता है तो नो। अब अगर आप कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है आपके ऊपर कोई एक्सक्लेमेशन है आप कोई वर्किंग पीरियड में है कि आपके पास पहले नोटिस देना पड़ेगा फिर ही आप जॉब को रिजाइन कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ भी है तो यस कीजिएगा अदरवाइज नो कीजिएगा। आप अपनी कंपनी में या फिर आप अभी तक एट प्रेजेंट एज तक आप कभी भी कोई भी अनलॉफुल काम किया है या फिर आपके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लिया गया है तो वो आप अगर लिया गया है तो यस नहीं लिया गया है तो नो। आप पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हैं या नहीं आपने किसी फॉर्म में काम किया है किसी अकाउंटेंट्स में काम किया है अगर काम किया है तो यस नहीं किया है तो नो। फिर यहाँ पर एक और चीज़ उसने पूछी है कि आपको BNY के बारे में किसने फोर्स किया कोई गवर्नमेंट के वजह से पता चला या फिर कहीं और से पता चला है तो उस हिसाब से आपको जिस भी सोर्स से पता चला है उस हिसाब से आप यहाँ पर यस और नो करेंगे। अब आते हैं ई सिग्नेचर। ई सिग्नेचर इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि कंपनी की। जब आप अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने 100% फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आप यहाँ से इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट एग्जिट। That's all from my side for the today's video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि जिसको भी जॉब की ज़्यादा ज़रूरत हो उसको ये नोटिफिकेशन मिले एंड ही और शी वो ये फॉर्म फिल कर सके। थैंक यू वंस अगेन।